अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे रमज़ान स्पेशल गेहूं के रवे की गुड़ की खीर। आइए देखते हैं गेहूं के रवे की गुड़ की खीर बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए गेहूं का रवा। देखिए, हमने इसे एक पानी से वॉश कर लिया है और 4 घंटे के लिए भिगने के लिए रख दिया है। और हमने लिया है 100 ग्राम गुड़, 1 कप दूध, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ दरदरी कुटी हुई, मगजियात लिया काजू बादाम पिस्ता, उसे घी में भून लिए। अब भगोना लेंगे, उसमें ऐड करेंगे दूध, 1 कप दूध ऐड करेंगे। अब हम दूध को उबाल लेंगे। ये दूध गर्म हो गया है और उबाल भी आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का रवा। देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम हाई फ्लेम पे दूध में रवे को गलने देंगे, गेहूं के रवे को गलने देंगे। अब हम हाई फ्लेम पे 10 मिनट दूध में रवे, गेहूं के रवे को पका लेंगे। देखिए, हाई फ्लेम पे 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, गेहूं का रवा अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे सौंफ दरदरी कुटी हुई, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा मगजियात ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी, असली घी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसे मिक्स करते हुए गुड़ घुले तक पका लेंगे। ये देखिए, गुड़ अच्छे से घुल गया है और रवा भी अच्छे से पक गया है। ये देखिए, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। रमजान स्पेशल गेहूं के रवे की खीर डिश आउट करने के लिए रेडी है। देखिए, अब हम खीर को गार्निश करेंगे सर्व करने के लिए। देखिए, मक्सियात से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लीजिए। रमज़ान स्पेशल गेहूं के रवे की गुड़ की खीर डिश आउट हो चुकी है। आप इस तरीके से सर्व कर लीजिए। आप इसे देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे इफ्तारी में बना सकते हैं बच्चों के लिए, और स्पेशल ओकेशन पे भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत आसान तरीक़ा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।